मेरा नाम संजय लोटस है, मैं फर्स्ट स्कूल से आया हूँ और मैं कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप पहले ज़माने में त्यौहार कैसे बनाया जाता? चले, मेरा नाम सोनम टुंडू है, मैं फिर गाँव का है। पहले लोग दिवाली और गलदान नाम की 25 तारीख को मानता है, यानी लद्दाख की भाषा में गलदान नाम की ओर और दवा चुपे से निशुषा मनाया जाता है। उसके बाद सस्पाची यानी उसके 6 दिन के बाद लोसार आता है, सब घर में माँ बाप भाई बहन को छक के लिए जाता है और धूमधाम से मनाता है। खाना पीना अच्छा होता है और सब रिश्तेदार मिल के मनाता है। एक दूसरे के घर में छक के लिए जाता है और साल में एक बार तो दिवाली आता है, वो सारे धूमधाम से मनाता है। और पहले और अभी के कुछ फर्क है कि नहीं? अभी की दिवाली में बहुत फर्क है। पहले गर्दन गमचो के दिन मीट खाता था, छांग पीता था, अभी वो बदल गया है क्योंकि लामा जी ने बताया कि ये दिवाली गर्दन गमचो के टाइम पर सिर्फ छोद में फूलता है, छोद में फूलना चाहिए और मीट छांग ये सब नहीं खाना चाहिए। जवा तुंगा पका तमजाक है, इसलिए हम मीट ये सब गर्दन गमचो को नहीं करता है। पहले से अभी यही फर्क हो गया है। स्टार्ट। पहले और अभी के त्यौहार त्यौहार में कितना कचरा पाया जाता था? पहले और अभी के दिवाली में बहुत फर्क है। पहले तो इतना कचरा नहीं होता है, अभी बहुत कचरा होता है। पहले अपना कप दिया कोरे लेके आता है, अभी तो ये प्लास्टिक का कोरे चल रहा है, इसलिए कचरा और ये बहुत फैल जाता है। पहले इतना अच्छा होता था कि अपना खाना पीना अपना घर में अपना मना के अपना कोरे थाली गोरमो ये सब चला के खाना खाता था। अभी तो प्लास्टिक की थाली में प्लास्टिक के कप में चाय खाना खाता था, इसलिए कचरा बहुत होता है।